विशाल हम बात करेंगे पहाड़ों में आफत की बारिश। उत्तराखंड में लगातार दो दिन से बारिश हो रही है और ये बारिश आफत बनकर टूटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात भी की है और राज्य के हालातों पर चर्चा की है। पीएम ने ली है नुकसान की जिम्मेदारी, प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग दिए जाने का आश्वासन भी दिया। सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण कर ले रहे हैं राज्य का जायजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से की फोन पर बात और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून राजेश वर्मा साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पीएम से बात करने के बाद सीएम हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं और लगातार इस चीज को वो कोई भी आपदा अगर बीच में भी जब बारिश ज्यादा हो रही थी, भूस्खलन ज्यादा हो रहा था, तो हवाई सर्वेक्षण में तुरंत निकलते हैं, तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आपदा का बारिश का प्रकोप जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और लगातार जो है पूरे तमाम जो 13 जिले हैं वहां पर बारिश जो है इस बार जो है 48 घंटों में जो है कहीं ना कहीं भारी नुकसान करके जा रही है और इस मामले को काफी गंभीरता से देखते हुए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने पूरे राज्य में जो है रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और साथ ही साथ तमाम जितना भी जो आला अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, उनसे हर एक घंटे की जो है मॉनिटरिंग करने के बाद जो है पूरी रिपोर्ट जो है वो खुद जो है उस इस मामले को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं और अभी जो ताजा अपडेट है कि मुख्यमंत्री खुद ही जो है हेलीकॉप्टर से जो है हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और जो आपदा ग्रस्त इलाके हैं वहां पर जो है वहां का जायजा जो है वो ले रहे हैं, कितना नुकसान जो है वहां पर हो चुका है और खासतौर से अब तक की बात करें तो जो है लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों की जो है वो 48 घंटे में इस बारिश के कहर की वजह से जो है वो मौत हो चुकी है। ये जो है आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है सरकारी तौर पे और साथ ही अगर हम बात करें तो जो कुमाऊं वाली बेल्ट है हालांकि नुकसान जो है गढ़वाल में भी हुआ है जो क्योंकि चारधाम यात्रा जो है इस समय अपने पीक सीजन पीक समय पर जो है वो चल रही है और जो कम सीमा की वजह से लगातार श्रद्धालु जो है विशाल जो है वो उत्तराखंड की तरफ लोग जो है यात्री जो है खासतौर से आ रहे हैं और जिसकी वजह से जो है जैसे हमने देखा है कि 48 घंटे में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो गढ़वाल के ऐसे जिले हैं ऐसी जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर जो है लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हुए हैं। हालांकि इसको खोलने का काम जो है लगातार बीआरओ की टीम जो है सेना की टीम जो है वो लगातार कर रही है और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गढ़वाल के अलावा अगर हम नुकसान का जायजे की बात करें, नुकसान का जो अपडेट की बात करें तो अभी जो है कुमाऊं बेल्ट में खासतौर से जो है भारी नुकसान देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पे कई पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और नैनीताल की बात करें तो नैनी झील भी आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाया है कि नैनी झील भी जो है ओवरफ्लो हो चुकी है, उसका पानी जो है वो निकाला जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ गोला नदी जो हल्द्वानी से जो जाती है वो कहीं ना कहीं अपना कहर पे है और अपने उफान पे है जिसकी वजह से जो अच्छी खासी जो परेशानी जो है वो खासतौर से वहां के लोगों को स्थानीय लोगों को जो है वो उठानी पड़ रही है क्योंकि जो उससे सटे जो गाँव है जो उससे सटे इलाके हैं वहां पर लगातार जो है जल भराव की स्थिति जो है वो खास तौर से देखने को मिल रही है और कई ऐसे पुल हैं जो कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है, पुल जो है जो तेज बहाव की वजह से जो है वो बह चुके हैं और इसी का जायजा लेने के लिए खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस समय हवाई जहाज से जो है वो पूरा स्थिति का जो है वो जायजा ले रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है प्रदेश की जनता को कि किसी भी तरीके की जो जान हानि माल की हानि हुई है जनहानि हुई है उसको जो है कंट्रोल किया जाए और एक सबसे बड़ी बात ये भी है विशाल की अभी मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा था और मुख्यमंत्री को इस बात का शायद आभास था और इस चीज की जो है मॉनिटरिंग उनकी लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार कर रहे थे और उन्होंने सीधा अयोध्या से ही जो है उस समय यानी कि दो दिन पहले ही जो है चीफ सेक्रेटरी को जो है कड़े निर्देश दिए कि जो बारिश का जो अलर्ट आया है जिस तरह से सीएम धामी हर चीज को एक्शन प्लान तुरंत बना देते हैं, वो हर चीज पे मॉनिटरिंग खुद करते रहते हैं। मैंने देखा कंट्रोल रूम में भी वो बात कर रहे थे और जिस तरह के तमाम उन्होंने चीजें और आला अधिकारियों से बात की, क्योंकि पर्यटक भी बहुत लंबे स्तर पर आया हुआ है यहाँ पर। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी लोग बात कर रहे हैं पहाड़ों पे आफत के बाद, लेकिन आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं जहाँ पर प्रियंका